जेबी केसेस का आंदोलन निराधार, 5 घंटे थाना गेट पर चली हाई वोल्टेज ड्रामा, नहीं झुकी प्रशासन। बोले डीएसपी एसडीएम कानून से बढ़कर कोई नहीं, जाए कोर्ट के शरण में। गिरफ्त में आए ग्रामीणों के परिजन हुए मायूस, लौटे बेरंग। गुरुवार को हथियाड़ी के ग्रामीण एवं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मार्डी के रिहाई की मांग को लेकर जेबी केसेस के उग्र कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां करीब 5 घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंततः कानून के शरण में जाने पर सहमति बनी। इस दौरान प्रदर्शन करने जुड़े जेबी केसेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी एवं एसडीएम के साथ वार्ता कर कुछ मांगों को रखा, जिस पर प्रशासन ने सहयोग का भरोसा दिलाया। वैसे दोनों ही अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को साफ कर दिया है कि गिरफ्तार हुए ग्रामीणों एवं उनके नेता की रिहाई में कोई मदद के स्तर से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उन्हें न्यायालय की शरण में जाना होगा, जिसके बाद ग्रामीणों के परिजनों में मायूसी छा गई, सभी बेरंग वापस लौट गए। विदित हो कि हथियाड़ी के इंडस्ट्रियल पार्क में निर्माणाधीन जमुना ऑटो को लेकर ग्रामीण लगातार उग्र हो रहे थे। इनका आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार करने लगा था। इनका नेतृत्व झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मार्डी और तरुण महतो कर रहे थे। बुधवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाई और 21 ग्रामीण महिला पुरुष के साथ प्रेम मार्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद से जेबी केसेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का रुख अख्तियार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली और सभी बेरंग वापस लौट गए। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या हथियाड़ी के ग्रामीणों का जमुना ऑटो को लेकर विरोध जारी रहता है, ग्रामीणों की रिहाई कब तक होती है और जेबी केसेस का अगला रुख क्या होता है। वैसे जेबी केसेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ सार्थक वार्ता होने और कानून का सम्मान करने की बात कही है। गिरफ्तारी हुई है, उसके संबंध में जेबी केसेस के लोगों ने आकर एक ज्ञापन सौंपा है और हमने वो ज्ञापन एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मांग की है कि जो कल गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में हम नरमी दिखाएं, पर जो कानून के दायरे में होगा हम लोग वो करेंगे और बाकी ज्ञापन सौंप कर अब वो चली गई। जो हालात हैं वो कल जो अरेस्टिंग हुई है उसके उपरांत उन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ज्ञापन में कुछ डिमांड्स हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। बारे में क्या कुछ कारण रहा है और कौन कौन सी धाराएं लगी है, सब का जानकारी लेने के साथ साथ हम लोगों का एक मांग था कि जितना जल्दी हो सकता है हमारे जो साथी हैं जो अंदर जेल हुए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाए। इन चीज़ों को लेकर के हमने बात रखने आए, प्रशासन से बहुत अच्छी बात हुई और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली बात निकल करके ये आया कि अभी जितने भी साथी गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों का चालान हो चुका है कोर्ट से, जो भी काम होगा अब कोर्ट के माध्यम से ही होगा। और ये बात निकल करके हम सब और हमारे बॉस भी बात हुआ, बॉस के साथ भी बात किया गया कि जितना जल्दी हो सकता है कोर्ट जितना जल्दी खुलेंगे उतना जल्दी हम लोग का साथी लोग जो है अंदर या फिर हिरासत में है या गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर आएंगे। बस इतना ही। गिरफ्तारी गलत हुई है, देखिए इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा, ये जांच का विषय है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में चला गया है, ये हम ये बात रखने के लिए हम सक्षम नहीं हैं।